देखिए, दिल्ली में नए सीएम को लेकर मंथन जारी है। सीएम केजरीवाल के घर चल रही है अहम बैठक, खत्म हो चुकी है और अब दिल्ली में अगले सीएम के नाम को लेकर चल रही थी बैठक। विधायक दिल्ली की यहां पर विधायक दल की बैठक हुई दिल्ली में। बैठक से पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं का मंथन हुआ, आज शाम को होगी आप और पीएससी की बैठक। जल्द ही आप पार्टी को अगले सीएम का नाम घोषित करते सभी लोग देखेंगे। नए सीएम को लेकर मंथन हुआ, सीएम केजरीवाल के घर पर बैठक हुई, बहुत ही अहम बैठक जहां पर मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। और ये बैठक के बाद जाती हुई तस्वीरें नेताओं की, जहां पर केजरीवाल से मुलाकात हुई और उसके बाद मंथन चला कई देर तक। और अब सीएम केजरीवाल की जगह नए सीएम कौन होंगे उसको लेकर सभी के मन में बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, आज शाम को आप और पीएससी की बैठक और नए सीएम को लेकर मंथन का दौर जारी। जल्द ही आप पार्टी अगले सीएम का नाम घोषित करेगी। और जो अहम बैठक केजरीवाल के घर पर चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और सभी नेता जो बैठक में शामिल हुए वो केजरीवाल के घर से जाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर से नेताओं जो है उनका जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बैठक अब खत्म हो चुकी है। नए सीएम के नाम पर मंथन हुआ, काफी देर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और शीर्ष नेताओं ने मिलकर आम आदमी पार्टी के बड़े दावेदार का जो नाम है वो डिस्कस। और देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजीव, जो बैठक चल रही थी केजरीवाल के घर पर वो अब खत्म हो चुकी है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या अंदर चर्चा हुई होगी, किसके नाम पर आखिर मोहर लग रही है या फिर मोहर लग चुकी है। अभी फिलहाल क्या कुछ मंथन हुआ, कितनी देर बैठक चली और क्या कुछ सुर्खियों में चल रहा है। जाए तो अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इसको लेकर मंथन जारी है। क्योंकि तो विधायक दल की बैठक जो होती है उसमें औपचारिकताएं होती है, लेकिन उसके पहले नाम तय कर लिया जाता है कि किसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। तो प्रस्तावक जो होते हैं उनको मैसेज दे दिया जाता है, प्रस्तावक नाम प्रस्ताव रखते हैं और उसके बाद तमाम लोग उसको सर्वसम्मत से समर्थन देते हैं कि ठीक है। लेकिन जो औपचारिकता होती है उससे ठीक पहले जो है मंथन किया जाता है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे मंत्री बनाना है। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता है, अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, राघव चड्ढा की बात कीजिए, गोपाल राय की बात कीजिए, मनीष सिसोदिया की बात कीजिए, ये सभी लोग मंथन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, अब दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव है, उसके ठीक पहले अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से निकलने के बाद यह जो बयान दिए हैं उससे तमाम राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, तरह तरह की बातें आ रही हैं। अगर देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में विधानसभा में, तो बीजेपी के लोगों का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल का यह एक नौटंकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर रिजाइन देना होता और ईमानदारी से काम कर रहे होते तो जब जेल गए थे तो उसी समय रिजाइन कर दिए होते और कोई और मुख्यमंत्री बना होता तो दिल्ली में डेवलपमेंट के काम चल रहे होते। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उनको जमानत मिली है वो कंडीशन पे मिली है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप फाइल का सिग्नेचर नहीं करेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, तो मुख्यमंत्री किस बात का, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, मुख्यमंत्री केवल नाम कर रह जाएंगे। तो अब उनको ये लग रहा है कि किसी न किसी को एक जिम्मेदारी दी जाए और अपने आप को पाक साफ बताने के लिए वो अग्नि परीक्षा जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इस बार किसको चुनेगी या तो चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जो रणनीतिकार है बहुत मजबूती के साथ और बहुत दिमाग लगा के इस बार राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहते हैं जिससे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और जो रणनीतिकार हैं, या कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ जाए और चुनाव में उसका अच्छा परिणाम मिले। तो लगातार नामों का मंथन चल रहा है और चूंकि ज्यादा समय नहीं है तो जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है
कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल या उनकी सबसे भरोसेमंद मंत्री आतिशी कोई जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि कोई और भी नाम हो सकता है, लेकिन जो चर्चाओं में जो नाम चल रहे हैं दो ही नाम चल रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके मन में किस तरह के विचार आएंगे, वह अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के साथ कितनी वफादारी निभाएगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी तक जो उदाहरण देखे गए हैं जैसे कि बिहार में जब नीतीश कुमार हट करके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद उनकी कार्यप्रणाली ऐसी हुई कि नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा, फिर उनको हटा करके और बैठना पड़ा सीएम की कुर्सी पे और जीतन राम मांझी दूसरा पार्टी बनाए, तमाम तरह के राजनीतिक लोग सपोर्ट करने लगे और तरह तरह की जो राजनीतिक एक्टिविटी होती है देखने को मिली। और यही हाल ही में उदाहरण देखने को मिला है झारखंड में, जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली हेमंत सोरेन को पसंद नहीं आई, उन्हें बाहर निकले जेल से तो फिर वो मुख्यमंत्री बने और आज चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो उनके इशारों पे उनके हिसाब से काम कर सके और उनके विश्वास पात्र हो। कोई कहीं अरविंद केजरीवाल को यह भी डर है कि कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री न बन जाए जहाँ पे पूरा पावर सेंट्रलाइज हो जाए और फिर अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे चले जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। अब किसके नाम पे मुहर लगेगी यह तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन देखा जाए तो इन तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी दे रहे हैं या अपने हिसाब से बयानबाजी दे रहे हैं, तो दिल्ली की जो सियासत है वो गर्म है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए दिल्ली में लगातार सियासत गर्म है, नए सीएम को लेकर मंथन चल रहा है।